क्वालिटी कंटेंट किसे कहते हैं जिसे देखने के बाद जिसका इम्पैक्ट आपके दिमाग में रह जाए, जिसकी कॉन्सेप्ट आपको हिला कर रख दे, मूवी देखने के बाद वो फीलिंग आए कि आज हाँ कोई जबरदस्त मूवी देखी है। तो आज के रिव्यू में हम ऐसे ही एक खतरनाक मूवी लाए हैं जो आपके दिमाग को हैंग कर सकती है, 2020 की हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर के साथ एकदम भयानक डेथ ऑफ मी। यार ऐसी मूवी के बारे में क्या बताएं? एक कपल अपनी ट्रिप को पूरा करने के लिए एक आइलैंड जाते हैं। उसके बाद से रिचुअल एक्टिविटी के नाम पर उनके साथ ऐसा ऐसा कांड होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एकदम से कुछ हो जाना या एकदम से कुछ कर जाना, फिर वापस वहीं से स्टार्ट करना, ये सब भ्रम है या कुछ और? जिसका एक जीता जागता सबूत है एक वीडियो रिकॉर्डिंग। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसी मूवी को रिव्यू करने अपने आप में चैलेंज की बात है। और सच में मूवी में जिस तरह से डायरेक्टर ने इसके रिचुअल पैरानॉर्मल एक्टिविटी को दिखाया, आप देख कर सिमट जाएंगे। मानना पड़ेगा डायरेक्टर की इमेजिनेशन को। मेरे नजरिए से मूवी को देखनी चाहिए तो इसके एकदम खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट। और सबसे बड़ी बात कैरेक्टर की एक्टिंग। यार ऐसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ कैरेक्टर अपनी एक्टिंग के दम पे मूवी आगे ले जाती है। बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट की, तो मूवी की सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसके अजीबोगरीब कुछ भी वाला फीलिंग। कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, जिसके वजह से मूवी वो फुल सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती, जिसके लिए इसके मिस्ट्री को पता लगाने के लिए एंड तक रुकते हैं। नो डाउट इसके कॉन्सेप्ट खतरनाक है, पर इसका एंडिंग थोड़ा डिसअपॉइंट करता है। शायद इसीलिए इसके IMDb रेटिंग एवरेज से भी कम है। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या सच में इसके IMDb रेटिंग मूवी को जस्टिस करती है या नहीं। बात करें मूवी की कंक्लूजन की, तो नो डाउट ऐसी कॉन्सेप्ट के लिए इसके नेगेटिविटी को साइड रखकर एक बार तो एक्सपीरियंस जरूर करनी चाहिए। मूवी Amazon प्राइम वीडियो पे हिंदी में अवेलेबल है। ऐसे ही ओनली क्वालिटी कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट सेशन में अपना फेवरेट मूवी का कलेक्शन जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।